हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म का ऑलरेडी पहला वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो आप एक तरह से कह सकते हो कि ये जो वीडियो होगा वो कौन सा होगा, आपका पार्ट टू का वीडियो होगा। पार्ट वन के अंदर हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के जो बेसिक चीजें हैं, उसका क्लासिफिकेशन है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की है। साथ में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उस इंट्रोडक्शन के ऊपर, वो सभी चीजें वहां पे हमने डिस्कस की है। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल पे और अगर आप पहली बार रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो आप स्टार्टिंग से पढ़ो, यही मेरा सजेशन रहेगा। आप सबसे पहले तो जाके आप पार्ट वन का वीडियो देखो, उसके बाद आप आज का जो वीडियो है पार्ट टू का आपको देखना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें कि रिएक्शन मैकेनिज्म आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हो, ओके, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कि आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लो, आपको लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी अगर कोई कोई साल कैसा होता है कि 8 से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपके टच हो जाते हैं, यानी 10 10 मार्क्स तक आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो आज यहाँ पे पार्ट टू के अंदर हम लोग जो और रिएक्शन मैकेनिज्म के अलग अलग टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था पार्ट वन के अंदर, वो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे पार्ट टू के अंदर कि इसका जो सबसे पहला टाइप है रिएक्शन मैकेनिज्म का वो क्या है। ओके, तो जो सबसे पहला टाइप है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का वो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे हम उसका सब टॉपिक डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, सबसे पहला जो टाइप पढ़ा था हमने इन रिएक्शन मैकेनिज्म, वो था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग बेसिकली दो चीजों के बारे में बात करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के आपके दो अलग अलग टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज हम लोग यहाँ पे दोनों टाइप के बारे में पूरा कंप्लीट यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का। ओके, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है, ये इसका पहला टाइप है। अगर आप इसके दूसरे टाइप की बात करो तो इसका जो दूसरा टाइप है वो दूसरा टाइप है आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म का। ओके, तो इस तरीके से आपके पास दो टाइप है यहाँ पे मैकेनिज्म के जो आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कि आप किसी एक चीज को रिप्लेस कर रहे हो विथ अनदर। ओके, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के अंदर चाहे आपका डिसोसिएशन मैकेनिज्म हो या फिर आपका एसोसिएशन मैकेनिज्म हो, आप इसके अंदर यही सारी चीजें आप डिस्कस करने वाले हो। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग चाहे आपका डिसोसिएशन मैकेनिज्म हो या फिर आपका एसोसिएशन मैकेनिज्म हो वो स्टार्ट करें, उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा आप क्लासिफिकेशन लिख लो। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, ये छोटा सा टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक इसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक के कुछ जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आप यूज करने वाले हो, चाहे आप डिसोसिएशन और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म पढ़ो या फिर आप एसोसिएटिव मैकेनिज्म पढ़ो उसके अंदर। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की, तो दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो ये दो तरीके कौन कौन से है, जो सबसे पहला तरीका यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ वो है आपके पास स्पेक्टेटर लिगेंड का। ओके, स्पेक्टेटर लिगेंड, तो ये सबसे पहला टाइप है स्पेक्टेटर लिगेंड का। अगर आप यहाँ पे दूसरे टाइप की बात करो तो जो दूसरा टाइप है वो टाइप है आपके पास लिविंग ग्रुप का। ओके, तो इस तरीके से आपके पास दो यहाँ पे टाइप होते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के, जिसमें हम ये दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके हम अलग अलग, चाहे आपका डिसोसिएटिव हो या फिर आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म हो, दोनों मैकेनिज्म को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप स्पेक्टेटर लिगेंड की बात करो तो इसमें भी आप फर्दर आप इसको दो चीजों में आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। ओके, अभी ये दो चीजें कौन कौन सी है, जो सबसे पहली चीज है क्लासिफिकेशन के लिए स्पेक्टेटर लिगेंड में वो है आपके पास TSL। ओके, अभी यहाँ पे TSL का मतलब होता है आपके पास ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड। ओके, तो
तो आप ये सारी जो चीजें हैं आप क्या करोगे, आप लिखोगे, बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि ये चीजें जब आप यूज करोगे ना अंदर जाके, तब आपको लगेगा कि ये सारी चीजें हमें पहले ही कर लेनी चाहिए थी। ओके, अभी दूसरा है जो आपके पास, वो है आपके पास CSL, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं सिस स्पेक्टेटर लिगेंड। ओके, सिस स्पेक्टेटर लिगेंड। तो ये दो जो चीजें हैं, ओके, ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं थ्रू आउट द, जब आप यहाँ पे चाहे आप ये कर रहे हो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कर रहे हो या फिर आप एसोसिएटिव मैकेनिज्म पढ़ रहे हो तो। ओके, और ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होता है। ओके, और अगर आप सिस यहाँ पे बात करो सिस स्पेक्टेटर लिगेंड की, तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो स्टेटिक फैक्टर होते हैं, स्टेरिक फैक्टर, सॉरी स्टेटिक नहीं, स्टेरिक जो फैक्टर होते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक जो 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 चीजें मैंने बताई है वो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, अब यहाँ पे जो आज का जो हमारा मेन ये है, ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म में जो सबसे पहला टाइप है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। ओके, और जो सबसे पहला टाइप यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, ओके, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। अब ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है, इसको अगर हम डिटेल में पढ़े तो आप यहाँ पे देखो कि कुछ चीजें होती है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में। जैसे हमने डिसोसिएटिव ये पढ़ा था, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कॉमन एग्जांपल हमने लेके पढ़ा था, लेकिन अगर आप कॉमन एक डिसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर आप थोड़ा सा एडवांस चले जाओ, ओके, तो इसमें आपके दो तरीके बनते हैं। एक आपका डिसोसिएटिव किस तरीके से आप कर सकते हो उसका एक मैकेनिज्म बनेगा, और एक आपका बनेगा एसोसिएटिव का, किस तरीके से आप पूरे सब्स्टिट्यूशन को आप किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। वो अलग अलग जो पद्धत होती है उसी को आप मैकेनिज्म कहते हैं, और वही सारी चीजें आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आप डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात करो तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में कैसा होता है कि आपके पास एक क्या है मेटल लिगेंड के साथ आपके पास एक एक्स अटैच है। ओके, अभी इसमें कैसा होता है कि सबसे पहले मैकेनिज्म में आपका जो एक्स होता है वो क्या होता है यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, ये बाहर निकलने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे आपके पास Ml5 क्या करेगा, यहाँ पे आपका फॉर्म करेगा, यहाँ से एक्स आपका क्या हो गया बाहर निकल गया। अब ये Ml5 के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एड अप होगा किसका, वाई का। ओके, और यहाँ पे वाई का जब एड अप होता है तो ये क्या करता है, एक नया जो आपका कॉम्प्लेक्स है Ml5y क्या करता है यहाँ पे फॉर्म करता है। ओके, और इस पूरे मैकेनिज्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म यहाँ पे कहते हैं। ओके, यानी अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर देखोगे तो वहां पे आपका -x और +y हमने एक ही स्टेप में वहां पे पूरा दिखा दिया था, लेकिन अगर आप यहाँ पे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये दिखाया है कि एक्स किस तरीके से बाहर जाता है, एक्स जब बाहर जाता है तो क्या फॉर्म होता है, उसके बाद उस जो भी आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म होता है उस कंपाउंड के अंदर जब आप वापस वाई एक दूसरा आपके पास जो सब्सटेंस यहाँ पे एडअप करते हो तो आपके पास एक नया जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और जनरली जब भी आप यहाँ पे इस तरीके का एक डिसोसिएटिव मैकेनिज्म पढ़ते हो तो ये आप मोस्टली किसके अंदर पढ़ते हो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर जितने भी 5 वाले होते हैं उसके अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ते हो, क्योंकि ये क्या होता है आपका मोर स्टेबल, आपको ये कंपाउंड क्या करते हैं फॉर्मेशन करके देते हैं इन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर। ओके, अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करो तो इसमें भी दो तरीके होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को पढ़ने के। ओके, और ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो 6 हो 7 हो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ी है, और उसके अंदर अलग अलग जो आपके मेथड होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 निकालने के वो सारी चीजें भी आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। फिर भी आज यहाँ पे हम बताएंगे कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को किन दो तरीकों से आप फाइंड कर सकते हो। सबसे पहला है आपके पास स्क्वायर पिरामिडल। ओके, ये आपके पास सबसे पहला एक पद्धत होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 फाइंड कर सकते हो। दूसरा होता है आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, तो ये कुछ दो तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आप देख सकते हो कि वो वहां पे आपको डिसोसिएटिव मैकेनिज्म वहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप डिसोसिएशन करते हो, आपको कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। वो चीजें क्या है कि आपका अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ओके, अगर आप कभी भी कोई भी अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे जो डिसोसिएशन होगा वो क्या करेगा, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, आप बेसिकली आप क्या करते हो, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही पढ़ते हो, लेकिन कभी कभी कैसा होता है सम सिचुएशन सम कंडीशन आपको ऑक्टाहेड्रल में भी आपको डिसोसिएशन देखने के लिए मिलता है। ओके, और यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो कौन सी होती है, आपकी SN1 यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होता है, और ये किस क्या होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ओके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसका रेट लिखो तो इसका जो रेट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ML5X को। ओके, ये इसके कुछ चीजें हैं जो आपको क्या करनी है लिखनी है। और अगर आप इसके इंटरमीडिएट की बात करो तो इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो इंटरमीडिएट किसके अंदर आप देख रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर देख रहे हो। ओके, तो ये दो तरीके से आप देखने वाले हो कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहला आपका स्क्वायर पिरामिडल की मदद से आप क्या करने वाले हो, इंटरमीडिएट यहाँ पे देखने वाले हो। ओके, और दूसरा जो तरीका है अपने पास वो है आपके पास ट्राइगोनल। ओके, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो ये कुछ दो तरीके हैं जिसकी मदद से आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे जो आप इंटरमीडिएट है उसको आप क्या करने वाले हो, स्टडी करने वाले हो। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जितना भी अभी तक हमने यहाँ पे बताया है, जितनी भी नॉलेज आपको हमने दी है, वो आपने अच्छे से यहाँ पे लिया होगा, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। ओके, अभी यहाँ तक जो भी चीजें हमने पढ़ी है ये किसी ना किसी फैक्टर की वजह से ही हो रही है, तो वो फैक्टर क्या है अभी वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा वापस एक हेडिंग डालो। ओके, ये हेडिंग क्या होगा कि फैक्टर अफेक्टिंग द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। ओके, तो आपके कौन कौन से फैक्टर है जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं हेडिंग डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हेडिंग डाल दिया है कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर जो क्या करते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो इसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर आता है, ओके, इसमें भी दो फैक्टर होते हैं लेकिन इसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो क्या आता है, यहाँ पे आप क्या करो लिखो इस तरीके से, मैं क्या करता हूँ एरो बना देता हूँ, ठीक है, और दोनों फैक्टर एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, ठीक है, तो जो सबसे पहला फैक्टर है और जो सबसे दूसरा फैक्टर है, तो पहले फैक्टर में क्या आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आता है। ओके, इसमें कौन सा आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आपको देखने के लिए मिलता है, और दूसरे वाले फैक्टर में वो क्या होता है आपका स्टेरिक फैक्टर। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होता है जो अफेक्ट करता है आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को, और आपका यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर क्या होता है जो अफेक्ट करता है आपके डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। ओके, अगर आप यहाँ पे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करो तो इसमें कैसा होता है कि आपके पास जो कंपाउंड होता है इसमें आप क्या होता है एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होता है जिसमें क्या होते हैं आपके पास 6 लिगेंड होते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही आप डिसोसिएटिव मैकेनिज्म पढ़ते हो तो इसमें कैसा होता है कि एक जो आपके पास लिगेंड होता है वो किसके साथ रिप्लेस होता है, एक्स के साथ होता है, यानी आप उसकी जगह क्या लिखते हो एक्स लिखते हो। ओके, और एक जो आपका होता है वो वहां पे क्या होता है आपके पास TSL होता है, करेक्ट, और यहाँ पे क्या होता है आपके पास इस तरीके से आपके पास क्या होता है एक कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अंदर। ओके, जहां पे आपको एक एक्स आपको देखने के लिए मिलता है, और ये क्या होते हैं आपको एक दूसरे को देखो तो अपोजिट आपको देखने के लिए मिलते हैं, चाहे आपका यहाँ पे TSL हो या फिर आपका एक्स हो, ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। ओके, और जब भी आपको ऐसे अपोजिट वाले कंडीशन आते हैं तो उस चीज में क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है। ओके, अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो वहां पे जो जेड इफेक्टिव होगा मेटल का ऑफ मेटल, ओके, वो क्या होगा आपका ज्यादा होगा। अगर आपका जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल ज्यादा है तो वो क्या होगा उसके अंदर मेटल और
आपका जो एक्स है उसके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ओके, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आपको क्या है, बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। अगर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो क्या होगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके रेट के, ओके। तो इस तरीके से आप ये कुछ चीजें हैं जिसको आप समझ के ले सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, एक एक चीज को आपके दिमाग में बैठाना है। अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो वहां पे आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो वहां पे आपका मेटल के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और मेटल के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा है तो वहां पे आपका रेट क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, ओके। अगर आप ये अच्छे से नहीं याद रखते तो आपको ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको दिया होता है, ये पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपको ये सारी चीजें पूछी होती है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर हम स्टेरिक फैक्टर की बात करें तो स्टेरिक फैक्टर में क्या होता है कि आपके पास एक मेटल होता है सेंट्रल मेटल, ओके। सेंट्रल मेटल के साथ यहाँ पे क्या है, आपके पास एक अटैच है, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या है, TSL है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक लिगेंड है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक लिगेंड है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड है, लेकिन अभी क्या होता है कि ये वाला जो लिगेंड होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, वो रिप्लेस होता है आपके पास सिस के साथ, आपका रिप्लेस हो जाता है, ओके। और अगर ये सिस के साथ रिप्लेस हो जाता है तब क्या होता है, यहाँ पे ये जो पूरा जो ग्रुप है ना वहां पे क्या आता है, वो रिप्लेस आप किससे करते हो, एक ऐसे बल्की ग्रुप के साथ करते हो, ओके। आप हमेशा जहां पे भी आप सिस देखते हो वहां पे आप सिस की जगह क्या रखते हो, एक बल्की ग्रुप को रखते हो, और बल्की ग्रुप के कारण आपको इसके बीच में, चाहे आपका एक्स हो या फिर आपका बल्की ग्रुप हो, उनके बीच में आपको हिंडरनेस आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। हिंडरनेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई बल्की ग्रुप है तो वो ऑफकोर्स उसके आसपास जो भी उसका नेबर है उसको क्या करेगा, वो दिक्कत पैदा करेगा। और ये सेम चीज है यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलती है, वो क्या करता है, एक्स को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता है अपने बड़े साइज की वजह से, ओके। तो इसके पीछे क्या रीजन है, आप यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूँ ताकि आप बिल्कुल भी क्या हो, कंफ्यूज ना हो, ओके। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपका हिंड्रेंस आपका क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है, ओके, वैसे ही जो रेट होता है, रेट ऑफ लिविंग ऑफ एक्स लिगेंड इंक्रीजिंग, ओके। तो आपका यहां पे जैसे ही आपका हिंडरनेस क्या होता है, इंक्रीज होता है, वैसे ही आपका जो लिविंग ऑफ एक्स का जो लिगेंड है वो भी रेट क्या होता है, उसका इंक्रीज हो जाता है, ओके। तो ये सारी जो चीजें हैं आप जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपको बहुत अच्छे से समझते आ जाएगी, ओके। और जिसके कारण क्या होता है, इसके अंदर जो रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन होता है, ओके, रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर देखने के लिए मिलता है वो क्या होता है, आपका सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है, ओके, वो भी आपको क्या है, ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि अगर आपका हिंडरनेस बढ़ता है, ओके, जितना आप बल्की ग्रुप डालोगे उतना ज्यादा जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होते रहेगा, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अगर आप ग्रुप के ऊपर, चाहे आपका ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड आप लगा रहे हो या फिर आप सिस स्पेक्टेटर लिगेंड लगा रहे हो, तो ये दोनों कंडीशन में आपको कुछ जो बातें यहाँ पे मैंने बताई है वो बस आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आप जहां पे भी सिस स्पेक्टेटर लिगेंड यहाँ पे अप्लाई करते हो वहां पे आपको क्या करना है, हमेशा एक बल्की ग्रुप को लेके चलना है, ओके। और जैसे आप बल्की ग्रुप को लेके चलते हो आपका जो नेबरिंग एटम होगा, जो एक्स होगा, उसके साथ क्या होगा, हिंड्रेंस होगा। हिंड्रेंस यानी एक तरह से आपका तनाव होगा। और अगर आपका नेबर, सपोज अगर आप बहुत ज्यादा पावरफुल है तो ऑफकोर्स आपका नेबर क्या होता है, उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलती है, ओके, स्टेरिक फैक्टर के अंदर। अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड को अगर आप समझना चाहते हो तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि ट्रांस स्पेक्टेटर जो लिगेंड होता है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है और ये होता क्या है, ओके। इसको चाहो तो आप फुल फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ पे मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा यही रहेगा कि आप इसको फुल फॉर्म में लिखो ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम इसको आप याद करो, रीड करो, आप जब भी इसको देखो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो कि TSL का मतलब होता है आपका ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड, ओके। अभी यहाँ पे कैसा था,
आपके पास क्या था, एक मेटल आइटम था करेक्ट सेंटर के अंदर, ओके, यहाँ पे आपका एक लिगेंड लगा था, यहाँ पे आपके पास एक्स था, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड लगा था, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास क्या था, एक लिगेंड था, ओके, करेक्ट, इसी तरीके से आपका पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे था, यहाँ पे भी आपके पास एक लिगेंड था और यहाँ पे भी आपके पास एक लिगेंड था। अभी यहाँ पे जो ट्रांसपेक्टेटर लिगेंड होता है ना, ये कैसे काम करता है, ओके, ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, यहाँ पे एक्स में, ओके, ये एक्स क्या करता है, एक इस तरीके से इसके पास क्या है, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट डायरेक्ट फॉरवर्ड क्या करता है, इसके साथ एक ट्रांस बॉन्ड शेयर करता है, ओके। जब ये ट्रांस बॉन्ड शेयर करता है तो ये जो आपका TSL है, यानी ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड है, ये क्या काम करता है, एज अ पाई एक्सेप्टर यहाँ पे काम करता है, ओके। और जब ये पाई एक्सेप्टर काम करता है तो क्या करता है, ये एक्स को रिप्लेस कर देता है विथ आपका जो भी नया यहाँ पे आने वाला है लिगेंड, उसके साथ ये क्या करता है, एक्स को रिप्लेस कर देता है। और ये पाई एक्सेप्टर होने के कारण आपको जो मेटल है, मेटल के ऊपर आपको पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। अगर आपको पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, ओके। अगर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो ऑफकोर्स इसका जो रेट होगा, ओके, वो रेट भी आपको क्या है, ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये ऑलरेडी जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा है कि पाई एक्सेप्टर होने के कारण ये क्या क्या चीज है आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। लेकिन ये जिस तरीके से आपका ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड आप पढ़ रहे हो ना, इसको आप एज अ पाई एक्सेप्टर की जगह आप एज अ पाई डोनर भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से ये पाई एक्सेप्ट करता है उसी तरीके से ये पाई को डोनेट भी कर सकता है, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मेटल के पास आपको पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला बन के आता है, इसमें अगर आपको रेट निकालने के लिए कहा जाए, ओके, ट्रांसपेक्टेटर लिगेंड में, तो आप निकाल सकते हो जो रेट होता है आपका, वो क्या होता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके पाई एक्सेप्टर के, ओके। यानी अगर आपका पाई एक्सेप्टर बहुत ज्यादा है तो उसका जो रेट होगा, ओके, वो बहुत कम होगा। अगर रेट बहुत ज्यादा है तो पाई एक्सेप्टर क्या होगा, आपका बहुत कम होगा, ओके। उसी तरीके से जो रेट होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पाई डोनर के ऊपर, ओके। तो ये आपको बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाता होगा मेरे हिसाब से, कि आप किस तरीके से ये सारी चीजों को आपने कंपेयर किया है, रेट को, पाई एक्सेप्टर को, या फिर आपका पाई डोनर को, ओके। तो ये अगर आप ध्यान में रखते हो कि पाई डोनर पाई एक्सेप्टर किस तरीके से काम करते हैं आपके ट्रांसपेक्टेटर लिगेंड के अंदर, तो आपको ये बहुत आसानी होगी। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो आप आसानी से उसके ऊपर आप क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप कर सकते हो, ओके। अभी ये बात हो गई आपके ट्रांसपेक्टेटर लिगेंड की, अभी हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है आपका सिस स्पेक्टेटर लिगेंड के बारे में, ओके। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक और हेडिंग डालते हैं, सिस स्पेक्टेटर लिगेंड का, ओके। अब ये सिस स्पेक्टेटर लिगेंड किस तरीके से काम करता है ये थोड़ा सा आप समझो, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था, कि इसमें एक बल्की ग्रुप होता है, यानी ये आपके पास क्या है, मेटल है, करेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपके पास सिस स्पेक्टेटर लिगेंड होता है, और उसके साइड में ही क्या होता है, आपका एक्स एक लिगेंड होता है, वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और ये जो आपका सिस स्पेक्टेटर लिगेंड होता है वो क्या होता है, आपका बल्की ग्रुप होता है, ओके। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने देखी है, ओके। अगर ये बल्की ग्रुप है, ओके, ठीक है, तो बल्की ग्रुप होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर आपको जो रेट है, ओके, वो रेट क्या है, आपको बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। और रेट अगर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा तो क्या करेगा, इसके साथ ये क्या करेगा, एक हिंड्रेंस पैदा करेगा। हिंड्रेंस का मतलब होता है कि ये एक्स जो लिगेंड उसके साइड में है, उसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसको तकलीफ देने की कोशिश करेगा। अगर जब उसको तकलीफ देने की कोशिश करेगा तो वो क्या सोचेगा, वो एक्स को किसी ना किसी तरीके से क्या करेगा, रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। तो यही सारी चीजें होती है, चाहे आप ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड पढ़ो या फिर आप सिस स्पेक्टेटर लिगेंड पढ़ो, दोनों चीजें बहुत कमाल की है। अगर आप दोनों चीजों को बहुत स्टेप बाय स्टेप अगर आप सुनते हो, ध्यान से अगर आप पढ़ते हो, तो आप आसानी से ये सारी चीजों को आप एक बार में ही समझ के ले सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं, और क्वेश्चन करके हम ये समझेंगे कि क्या हमने जो अभी तक पढ़ा है वो हमें याद है या नहीं है, ओके। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको रेट ऑर्डर आपको क्या करना है, बताने का है, रेट ऑफ ऑर्डर, ओके। अगर आप रेट ऑफ ऑर्डर बता रहे हो तो यहाँ पे आपके पास कुछ यहाँ पे कंपाउंड दिए हैं, ओके,
अभी यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो, ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, रेट ऑफ ऑर्डर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, करेक्ट। अभी आपको क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्सेस को देख के आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा जो कॉम्प्लेक्स है जिसका आपको ऑर्डर यहाँ पे सबसे पहले आएगा, ओके, और कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है जिसका ऑर्डर आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी हमने बल्किनेस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो अगर आप देखोगे कि जो NH3 होता है वो क्या होता है, आपका मोर बल्की होता है, ठीक है। तो अगर ये मोर बल्की है तो ये क्या होगा, आपका सबसे पहले आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ओके, मोर बल्की, आपको ये क्या है, मोर बल्कीनेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से जो इसका ऑर्डर होगा, सबसे पहले आपका मेटल के साथ NH3 5 आएगा, ओके, उसके साथ आपके पास मेटल के साथ आपका क्या आएगा, NHR2 आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा, आपके पास मेटल के साथ NH3 5 आएगा, ओके। इस तरीके से क्या है, आपका जो पूरा एक रेट ऑफ ऑर्डर है वो आपका डिसाइड होने वाला है, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है, और ये बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि आपको ये समझेगा नहीं, आप अगर यहाँ पे ध्यान देते हो तो आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, ओके। अभी यहाँ पे एक और छोटा सा नया एक कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपका सिस स्पेक्टेटर लिगेंड अगर फॉस्फाइन ग्रुप में है, तो उस कंडीशन में आपको क्या इम्पैक्ट वहां पे देखने के लिए मिलता है, और वहां पे आपका क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप छोटा सा एक और हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, पॉइंट डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, ओके, इफ सिस स्पेक्टेटर लिगेंड इज फॉस्फाइन, ओके, अगर आपका सिस स्पेक्टेटर लिगेंड अगर आपका फॉस्फाइन है, ओके, तो ये क्या है, आपके पास PR3, ये एक फॉर्मूला होता है फॉस्फाइन का, जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आपको कभी भी ऐसे एग्जांपल आते हैं फॉस्फाइन के, तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, पी यानी फॉस्फोरस, आर में आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, ओके। अभी यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे अगर आपके पास बल्किनेस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कोन एंगल, ओके। अभी यहां पे अगर आप देखो कि एक चीज यहां पे और एडअप हो गई है, ओके, ये चीज क्या है, जैसे अगर हम सिस स्पेक्टेटर लिगेंड में अगर हम फॉस्फाइन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो उसमें क्या कह रहा है यहाँ पे कि बल्किनेस कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ कोन एंगल, ओके। और ये मुझे नहीं लग रहा कि आई थिंक बच्चों ने सुना होगा कि कोन एंगल क्या होता है, और कोन एंगल के हिसाब से क्या हम बल्किनेस डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो, कैसे डिसाइड कर सकते हो, ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ओके। जैसे यहाँ पे आपके पास दो, यहाँ पे हम कंपाउंड लेते हैं, ये दो कंपाउंड कौन कौन से होने वाले हैं, ओके, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखो और फिर आप मुझे बताओ कि क्या आप बल्किनेस आप डिसाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते, ओके। पहला कंपाउंड है यहाँ पे मेटल, यहाँ पे आपके पास PH3 है, करेक्ट, यहाँ पे 5 है, X है, ये आपके पास पहला, यहाँ पे आपके पास ये हो गया कॉम्प्लेक्स हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स ये आपके पास मेटल है, ओके, यहाँ पे आपके पास PME3 है, ओके, यहाँ पे आपके पास 5X है। अभी ये दो ग्रुप आपके पास है, दो कॉम्प्लेक्स है। अब ये दो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से मुझे आप बताओ कि इसके अंदर आप बल्किनेस कैसे डिसाइड कर सकते हो, ओके। अगर आप सबसे पहले ग्रुप की बात करो, तो सबसे पहले ग्रुप में अगर आप देखोगे, तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर किस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक मेटल है, करेक्ट, उसके बाद क्या है, आपके पास H3 है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो 3 हाइड्रोजन कैसे आएंगे, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास दूसरा हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे आपके पास तीसरा हाइड्रोजन आ गया, ओके। और इनके बीच में अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो एक लाइन, अगर आप खींचते हो, ओके, तो ये लाइन आपका किस तरीके से, इस तरीके से आपका बनेगा। और अगर आप यहाँ पे एंगल देखते हो, इस क्या करना है आपको, इस एंगल को देखना है, मेटल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको अगर आप देखना है, ओके। अगर आप सेम यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे PME3 का यहाँ पे डायग्राम बनाते हो, ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, ओके, यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस है, यहाँ पे आपके पास मेटल है, ओके, यहाँ पे कैसा होगा कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ME3 होगा, आ गया, ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ME आ जाएगा मिथाइल, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मिथाइल ग्रुप।
अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके बीच में अगर आपको देखोगे तो एंगल इसका बड़ा है, ओके, मिथाइल। अभी ये क्यों होता है ये भी थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो आप बहुत आसानी से ये सारी चीजों को आप कनेक्ट कर पाओगे, ओके। तो ये क्यों होता है ये भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे अगर आप किसी भी मिथाइल को पढ़ते हो, ओके, मिथाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक हाइड्रो, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, या सॉरी इस तरीके से नहीं आप कर सकते हो, आप कोई भी अगर आप मिथाइल पढ़ते हो तो मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास CH3 होता है, करेक्ट, यानी एक कार्बन है, कार्बन के साथ आपके पास कितने हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो सकता है, ओके। अगर आपके पास तीन तीन हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है तो ऑफकोर्स वो क्या करेगा, ज्यादा स्पेस कवर करेगा, ओके। अगर आप इस, सपोज आपने क्या किया है यहाँ पे, आपने इस चीज को, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मिथाइल है, ओके, ये भी आपका मिथाइल है, करेक्ट, ये भी आपका मिथाइल है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अलग से एक सेपरेट करके लिखता हूँ। यहाँ पे आपके पास कार्बन आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, करेक्ट। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरे को भी लिखते हैं, यहाँ पे आपके पास कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, करेक्ट। उसके बाद तीसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन में एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अभी मुझे बताओ यहाँ पे जो बल्की ग्रुप है, यहाँ पे बल्की ग्रुप किसके कंपैरिजन में, आपके हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ऑफ कोर्स आपका जो CH3 ग्रुप है और जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, बल्की है। और जब बल्की ग्रुप होता है तो उसके बीच में जो एंगल बनता है आपका मेटल के बीच में वो क्या होता है, आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ओके। तो ये आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना होगा, किसके बीच में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा उतना ज्यादा आपको मेटल के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। अभी यहाँ पे एक ऑर्डर लिखता हूँ कोण एंगल का, ओके, जिसको आप ध्यान में रखना क्योंकि ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप ऐसे कितना भी बुक देख लो, आप इनऑर्गेनिक की कितने भी बुक देख लो, आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा सीरीज के हिसाब से। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से क्या करो, आप याद कर लो, ओके, ऑर्डर ऑफ कोण एंगल, ओके। तो कोण एंगल के हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर आपको लिख के देते हैं, और जैसा मैंने कहा था ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये हमने एटकिन से निकाला है। इस तरीके से इसको मैं क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, एटकिन में ये आपको मिलेगा, ओके। और ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत फ्यू ही क्या है आपके पास जो रेफरेंस बुक होते हैं जिसके अंदर आपको ये सारी जो चीजें होती है वो आपको मिलती है। तो आप मेरे हिसाब से आपका जो ये है, ओके, नॉर्मल जो सिलेबस है आप उसी पे फोकस करो। ये सारी चीजें अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपका जो मेन सिलेबस है आप उससे धीरे धीरे दूर होते जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको इसका जो कोन एंगल का ऑर्डर है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप लिखते जाओ, ये आपके पास फॉस्फोरस है, पूरा का पूरा जो कोन एंगल है वो क्या करता हूँ मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कोन एंगल का ऑर्डर है वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दिया हमने, ओके। अभी इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग देखते हैं, ओके। तो ये टेम्परेचर रेंज क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग आपका 212 डिग्री तक आपको देखने के लिए मिलता है इसके बीच में एंगल, ओके, और सॉरी यहाँ पे एंगल हम लोग देखते हैं, इसके बीच में लगभग आपको 194 डिग्री का एंगल आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहाँ पे PH3 देखोगे तो इसके अंदर लगभग आपको 87 का एंगल देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहाँ पे PF5 3 देखते हो तो इसके अंदर लगभग आपको 104 का एंगल देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो एंगल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप बुक में नहीं आपको मिल सकती है, जो हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। तो आप क्या करो, इसको अच्छे से आप एज अ नोट्स इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करो, अच्छे से ये सारी चीजों आप लिख लो, ओके। तो यहां तक आपको आई थिंक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आई होगी। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, यहां तक हमने बहुत प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें आपको हमने पढ़ाई है, ओके। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके, नेक्स्ट इसी का पार्ट है, ओके, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का ही पार्ट है, लेकिन अभी हम देखेंगे जो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे हम छोटा सा जो सब टॉपिक्स होता है उसका यहाँ पे हम हेडलाइन डालते हैं, ओके।
अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपको है कि आप किस तरीके से आपका जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है उसके अंदर आप स्टीरियो केमिस्ट्री आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत सिंपल आपके पास मेथड है कि आप बहुत आसानी से स्टीरियो केमिस्ट्री आप डिसाइड कर सकते हो। तो कुछ चीजें जो मैं आपको लिखता हूँ, आप क्या करो मेरे साथ, आप सबसे पहले लिखो, उसके बाद हम ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये क्या होता है कि स्टीरियो डिसाइड ऑन बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट। ओके, अभी यहां पे आप कोई भी अगर आप स्टीरियो डिसाइड करना चाहते हो तो आप इंटरमीडिएट की मदद से आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। ओके, अभी इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं, दो तरह के इंटरमीडिएट आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अभी ये दो इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं, जो सबसे पहला इंटरमीडिएट है वो है आपके पास टीबीपी, ओके, यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और जो दूसरा आपके पास है वो है आपके पास स्क्वायर पिरामिडल का। ओके, तो ये दो तरीके के आपके यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जो स्टीरियो है वो आप डिसाइड कर सकते हो। और जो स्क्वायर पिरामिडल है वो सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट आप एक तरह से कह सकते हो फेवरेबल होता है, जिसका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं स्टीरियो डिसाइड करने के लिए। टीबीपी थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी वजह से हम टीबीपी का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर आप स्क्वायर पिरामिडल देखते हो तो उसका इस्तेमाल आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज आप और यहाँ पे ये लिख के रखो कि व्हेन इंटरमीडिएट इज स्क्वायर पिरामिडल। ओके, आपका इंटरमीडिएट स्क्वायर पिरामिडल कब होगा और आपका इंटरमीडिएट टीबीपी कब होगा, ओके, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कब होगा, तो दोनों कंडीशन आप यहाँ पे लिख के रखो, ताकि अगर आपको ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन के अंदर तो आप बता सकते हो। ओके, व्हेन इंटरमीडिएट इज स्क्वायर पिरामिडल। ओके, तो ये एक आपके पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास ये बताओ मुझे आप कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो स्क्वायर पिरामिडल कब होगा। ओके, तो आपके पास यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन के आंसर है। ओके, सबसे पहला कि आप क्या करोगे, इसके अंदर जो रिटेंशन होता है वो आप चेक करोगे। ओके, आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे जो रिटेंशन होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होता है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है वो आपको देखना है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन आपका किस तरीके से आता है। सपोज अगर आपका सिस मिलता है, ओके, अगर आपका सिस मिलता है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर पिरामिडल आएगा, करेक्ट, स्क्वायर पिरामिडल आएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिस होगा। अगर आपको ट्रांस मिलता है, ओके, अगर आपको सपोज ट्रांस स्क्वायर पिरामिडल आपको देखने के लिए मिलता है, ओके, तो इस कंडीशन में जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा, ओके, वो इंटरमीडिएट क्या मिलने वाला, आपको ट्रांस मिलने वाला है। ओके, तो ये कंडीशन है कुछ आपको कि आपका इंटरमीडिएट कब स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो ये सिर्फ आपको क्या करना है, याद करना है, बहुत सिंपल है, ये दो कंडीशन में आपका स्क्वायर पिरामिडल या फिर आपका ट्रांस पिरामिडल, सिस और ट्रांस कंडीशन में आपको दोनों में देखने के लिए मिलेगा। ओके, तीसरा कंडीशन ये है आपके पास, ये आपके पास क्या है, दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आपके पास जो सेंट्रल एटम है, ओके, जो आपके पास सेंट्रल एटम है, अगर वो सेंट्रल एटम सपोज आपका 4D या फिर अगर आपका 5D में होता है, तब आपके जाके क्या मिलता है, आपको स्क्वायर पिरामिडल आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ये एक और कंडीशन है आपके पास। चौथा कंडीशन आपके पास ये है कि अगर सपोज आपका सेंट्रल एटम, ओके, सपोज अगर आपका सेंट्रल एटम अगर ये 3D में है, ओके, अगर ये 3D में है तो दो आपको कंडीशन मिलेगी, इसके अंदर आपको स्क्वायर पिरामिडल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, यानी आप इसकी मदद से भी आप स्क्वायर पिरामिडल आप देख सकते हो इंटरमीडिएट। ओके, और दूसरा है आपके पास यहाँ पे टीबीपी, ओके, यानी आप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी आप यहाँ पे 3D में आप देख सकते हो, इसमें आप नोटिस कर सकते हो। ओके, तो एक तरह से आपको ये पता चल गया कि स्क्वायर पिरामिडल आपको कहाँ कहाँ पे देखने के लिए, 4D, 5D, 3D, ये सारी चीजों में आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे कि आपका जो टीबीपी है वो इंटरमीडिएट कब आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, व्हेन इंटरमीडिएट इज टीबीपी। ओके, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आपका इंटरमीडिएट कब होगा, कौन से कंडीशन पे होगा,
तो सबसे पहले अगर आप टीबीपी देखना चाहते हो तो आप क्या देखोगे, आइसोमराइजेशन के ऊपर जाओगे और सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है तो उसका जो आइसोमराइजेशन होता है वो सबसे पहले आप फाइंड करोगे। अगर आपके पास सिस है, ओके, तो अगर आपका सिस टीबीपी अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो सिस टीबीपी में आपको सिस और ट्रांस दोनों आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। ये हो गया एक कंडीशन। अगर आपको सपोज यहाँ पे ट्रांस अगर आपको टीबीपी यहाँ पे दिया है, ओके, तो इस कंडीशन में भी आपको सिस और ट्रांस आपको दोनों यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट देखने के लिए मिलते हैं। दोनों में आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ओके। अगर आप यहाँ पे इसका अगर आप इसका मैकेनिज्म भी अगर आप निकालना चाहते हो तो आप मैकेनिज्म को यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो। जैसे आपके पास एक मेटल है, यहाँ पे आपके पास क्या है, सिस है, ओके, ये आपके पास एक लिगेंड हो गया, ये आपके पास एक लिगेंड, यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास एक लिगेंड हो गया, यहाँ पे भी लिगेंड हो गया, यहाँ पे भी लिगेंड, यहाँ पे भी लिगेंड, ओके। अभी इस कंडीशन में कैसा होता है कि सपोज अगर आपका एक्स यहाँ से बाहर जा रहा है, ओके, एक्स बाहर जा रहा है तो क्या होगा, सिस में आपका क्या होगा, चेंजेस होगा, ठीक है, सिस में चेंजेस होगा, यानी यहाँ पे आपके पास जो लिगेंड है, ये लिगेंड क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास है सिस है इसके अंदर क्या होगा, चेंजेस होगा, और यहाँ पे आपको स्क्वायर और पिरामिडल आपको जो कंपाउंड है वो आपको क्या है देखने के लिए मिलने वाला है, ओके। ये आपके पास एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे, और एक क्या है आपके पास यहाँ पे लिगेंड आपको मिलता है, ओके। अभी यहाँ पे सपोज आपने क्या किया है, वाई को ऐड कर दिया, ओके, अगर जैसे ही आपने वाई को ऐड किया वापस आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सिस कंपाउंड आपको वापस देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो ये किस में होता है, आपका सिस के अंदर आपको ये सेम कंपाउंड देखने के लिए मिलता है, ओके। अगर सपोज अगर हम लोग यहाँ पे टीबीपी के अंदर अगर हम लोग सिस लेते हैं तब क्या कंडीशन होती है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे आपके पास लिगेंड है, यहाँ पे आपके पास सिस है, ओके, यहाँ पे आपके पास एक्स है, यहाँ पे आपके पास लिगेंड है, यहाँ पे भी आपके पास लिगेंड है और यहाँ पे भी आपके पास लिगेंड है। अभी आप जैसे ही यहाँ से क्या करते हो, एक्स को रिमूव करते हो, तो एक्स को रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास एक लिगेंड आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एक लिगेंड है, करेक्ट। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये अपनी प्लेस को क्या करता है, चेंज करता है इस तरीके से, ओके। अगर ये जैसे ही अपनी प्लेस को चेंज करता है तो लिगेंड का जो पोजीशन होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड बना, यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड और यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड, ओके। अभी इसके अंदर जब आप क्या करते हो, वाई को ऐड करते हो, ओके, तो वाई को ऐड करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, दो ऑप्शन बनते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, वाई को आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ओके। तो ये दो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं वो वाई को ऐड करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे एक आपको सिस मिलता है और एक आपको ट्रांस मिलता है, ओके। यानी वाई को आप अगर आपने सपोज यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या किया, वाई को ऐड किया एक लिगेंड को, ओके, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है आपके पास एक वाई, यहाँ पे आपके पास क्या है लिगेंड है, ओके। और इस तरीके से क्या होगा, ये आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपके पास ट्रांस कंपाउंड मिलेगा, करेक्ट। दूसरे में कंडीशन में क्या हो सकता है, दूसरे कंडीशन में आपको एक सेकेंड, दूसरे कंडीशन में क्या होता है, दूसरे कंडीशन में सपोज यहाँ पे आपके पास क्या है एक वाई है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है एक लिगेंड है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको सिस आपको यहाँ पे कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे को बाजू बाजू में आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप बहुत आसानी से ये चाहे आप टीबीपी हो, स्क्वायर पिरामिडल हो, इसके आप इंटरमीडिएट को आप फाइंड कर सकते हो, ओके। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर आपको जब भी यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म से जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ओके, खासकर यहाँ पे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से, तो ये क्वेश्चन आपका ये रहता है कि आपको मतलब 100 में से 90% इसका चांसेस आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करो, एग्जाम्पल आप लिखो, एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट है, यहाँ पे आपके पास EN2 है, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है और ये आपके पास जेड है, ओके। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, ऑलरेडी मैंने कहा है कि ये क्या है, जेड है, और इसके अंदर क्या हो रहा है आपका एडिशन ऑफ H2O यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो जो आपके पास कंपाउंड बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, आपके पास कोबाल्ट EN2, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास H2O हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जेड हो जाएगा, ये आपके पास 2+ हो गया, ओके। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो क्लोरीन आपका अटैच है वो क्लोरीन क्या है आपका लिविंग ग्रुप है, ओके। तो
ये क्या है, आपके पास लिविंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है एज अ क्लोरीन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां तक आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ओके। और अगर आप यहाँ पे कोबाल्ट का यहाँ पे देखोगे तो कोबाल्ट आपका एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, इट कैन एग्जिस्ट सिस एंड ट्रांस, ओके। दोनों फॉर्म में आपको यहाँ पे कोबाल्ट एग्जिस्ट करते हुए देखने के लिए मिलेगा पूरा कंपाउंड, ओके। तो ये आपको बहुत सिंपल सा यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया था, जिसका यहाँ पे आपने क्या किया है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म यहाँ पे आपने फाइंड किया, ओके। अभी यहाँ पे आपके पास मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर सपोज हमने इसको क्या लिया, सिस लिया, ओके। सिस यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट है, यहाँ पे आपके पास EN2 है, यहाँ पे आपके पास Cl2 है, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास +2 है। तो कोबाल्ट से क्या होगा, ये फॉर्मेशन किसमें करेगा, सबसे पहले आपका स्क्वायर पिरामिडल में फॉर्मेशन होगा, करेक्ट। स्क्वायर पिरामिडल के बाद ये किसमें फॉर्मेशन होगा, वापस आपका सिस रिटेंशन में आपका क्या जाएगा, ये आपका फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। अभी ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जेड का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। आपने देखा था ऊपर हमने जेड लिखा था, नीचे हमने जेड नहीं लिखा, ओके। तो ऐसे कंडीशन में जो जेड होता है वो जेड की वैल्यू यहाँ पे वैरी करती है, ओके। सपोज जेड की जगह अगर आपका यहाँ पे कोई कंपाउंड आता है, जैसे OH- आ जाता है, ओके, NCS- आ जाता है, ठीक है, या फिर आपका Cl- आ जाता है, या फिर आपके पास NO2- आ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका सिस प्रोडक्ट होता है ना वो थोड़ा सा वैरी कर जाता है, ओके। वैरी किस लिए करता है कि अगर आपके पास OH प्रेजेंट है अगर आपके जेड की प्लेस पे, तो यहाँ पे आपको पास 100% रिटेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। अगर आपके पास NCS है तो इसके अंदर भी आपको 100% रिटेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास Cl- है तो यहाँ पे भी आपको 100% रिटेंशन देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास NO2- है तो यहाँ पे भी आपको 100% रिटेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा इन सिस, ओके, सिस प्रोडक्ट के अंदर। जैसे ही अगर आप सिस से ट्रांस में मूव करते हो तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखने के लिए मिलता है, ओके। जैसे ही आप क्या करते हो, ट्रांस यहाँ पे लेते हो, ट्रांस में क्या आ जाएगा, कोबाल्ट EN2 यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास EL Z हो जाएगा, ओके। आप जैसे ही यहाँ पे आपने ट्रांस में क्या किया, एंटर किया, ट्रांस में आप जैसे ही जाते हो यहाँ पे क्या होता है, ये TBP के अंदर जाता है, ओके, स्क्वायर पिरामिडल की जगह TBP आ जाता है, और यहाँ पे आपको सिस और ट्रांस आपको दोनों फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, और दोनों का क्या होता है, यहाँ पे आपका आइसोमराइजेशन आपको यहाँ पे होते हुए दिखता है, ओके। अभी ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जानने लायक है, तो इसमें कैसा होता है कि ये जेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंडीशन में। सपोज यहाँ पे आपके पास जेड है, ओके, और यहाँ पे आपके पास परसेंटेज ऑफ सिस प्रोडक्ट है, ओके, ये आपके पास परसेंटेज ऑफ सिक्स जो आपके प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा परसेंटेज के हिसाब से, वो यहाँ पे आपका वैरी करता है इन ट्रांस। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम आपका यहाँ पे कंपाउंड लेने वाले हैं, जैसे आपके पास OH- हो गया, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास NCS हो गया माइनस, यहाँ पे आपके पास Cl- हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, NO2- हो गया। अभी इस कंडीशन में क्या होता है कि सपोज अगर आपने जेड की जगह OH- डाला, तो इसके बीच में जो आपको रिटेंशन देखने के लिए मिलता है, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, वो कितना होता है आपका, सिर्फ 75% आपको सिस देखने के लिए मिलता है। अगर आपने NCS लिया तो आपको 50-70% आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर आपने Cl- लिया तो यहाँ पे आपको 35% आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपने NO2- लिया तो यहाँ पे आपको 0% आपको यहाँ पे सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आप जब भी सिस और ट्रांस आप डिसोसिएशन मैकेनिज्म में पढ़ते हो, तो अगर आप ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप आसानी से यहाँ पे जो आंसर है वो आप निकाल सकते हो, कि वहां पे चाहे आपका सिस का फॉर्मेशन हो या ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो कितना होता है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ओके। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ओके। ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, मैं भी सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, मेरे से पहले करो, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक आप क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन लिख के आप क्या करो, आंसर भी आप इसका निकालना चालू कर दो, ओके। यहाँ पे आपके पास बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है, ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस करना है ट्रांस का, ट्रांस का एक कंपाउंड आपको दिया है,
एल की वैल्यू यहाँ पे आपको दी है, ओके, एल NO2 माइनस दिया है, NCS माइनस दिया है, OH माइनस दिया है, Cl माइनस दिया है, और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है, और ये प्रोडक्ट किसके होना चाहिए, आपको सिस आइसोमेरिज्म का आपको प्रोडक्ट यहाँ पे बताना है, ओके। यानी जो अभी यहाँ पे हमने ये देखा ना, ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया है, सेम आपको क्या करना है, यही आपको प्रोडक्ट के अंदर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या आएगा, आप थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो इसका जो ये होगा अरेंजमेंट होगा, वो अरेंजमेंट कौन कैसे होगा ये आपको पता है, ओके, ऑलरेडी आपने क्या है दिखा है। और सिस के अंदर आप अगर देखते हो तो NO2 क्या होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो आपको पहले देखने के लिए मिलता है, ओके। NO2 में आपको सबसे कम आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट, उसके बाद आपका Cl माइनस में 35%, NCS में आपका 50-70%, और OH माइनस में आपका 75%, ओके। अगर सपोज यहाँ पे सिस की जगह अगर आपको ट्रांस दिया होता तो ट्रांस में आप क्या करते, यहाँ पे इसका रिवर्स आप क्या करते, ये लिखते, यानी ऑप्शन नंबर डी वॉज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा आपको तकलीफ यहाँ पे नहीं होने वाली, ओके। तो इस तरीके से आपको ये जो आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म था यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टर्म को मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो हमने स्किप किया हो या हमने छोड़ा हो या हमने नहीं पढ़ाया हो, हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, A to Z सभी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की है। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है तो आपसे हमारा यही नम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग कमेंट करके उस चीज को आप रेज करो, वो चीज आप बताओ हमें, ताकि हम भी वो चीज जान सके। और अगर आपको कोई और डाउट लगता है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, उस वो भी आप हमें वहां पे पूछ सकते हो, और उससे भी आप सॉल्यूशन ले सकते हो, ओके। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जाते आते प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, ओके। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे पहला मैकेनिज्म था, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका एसोसिएटिव मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीटली, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं।